नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बुक रिव्यू का है और ये साइंस के बुक रिव्यू का है और बड़ी बेहतरीन और बड़ी खूबसूरत बुक है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करना चाहूं ना तो पूर्वावलोकन के घटना चक्र से कर सकता हूं और मैं दावे से कर सकता हूं कि उससे बेहतरीन जो है ये बुक है। लेकिन ये कहना कहीं ना कहीं आपके जो है गले तर नहीं उतर सकती है। क्यों नहीं उतर सकती है? क्योंकि ऑलरेडी घटना चक्र ने अपना ब्रांड बना लिया है और ये बुक जो है अभी न्यू मार्केट में आई और बेहतरीन बुक है। मेरे हिसाब से अगर देखिएगा तो सबसे बेहतरीन। इसकी खूबसूरती इस बात का है कि जो क्वेश्चन है उसी के सामने जो है व्याख्यात्मक रूप से जो है उसका आंसर दिया गया और उतना ही दिया गया है जितना जरूरत हो। इसमें वही क्वेश्चन को समावेश किया गया है जहां से बार बार क्वेश्चन आयोग उठाएगा, फिर चाहे वो वनडे कंपटीशन का हो, फिर चाहे पीसीएस का हो, सबसे क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। दोस्तों एक बात हमेशा मेरी बात याद रखिए कि साइंस में हमेशा वैसा क्वेश्चन आता है जो समान जानकारी आपके बारे में पता होना चाहिए साइंस के बारे में। कभी भी ये ओवर मतलब क्या है बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं डालने की कोशिश करता, क्योंकि आयोग को इस बात को पता है कि इसके अंदर जो है साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन डालेंगे तो साइंस वाले तो अंदर आ जाएंगे लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स दोनों बैकग्राउंड के बच्चे बाहर निकल जाएंगे। इसलिए बीच का रास्ता अपनाता है और बीच का रास्ता का मतलब सिंपल ज्यादा क्वेश्चन जो होता है आपका 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, इसी के बीच क्वेश्चन रहता है जो आम भाषा से अगर देखें तो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं वहीं से क्वेश्चन उठाता है। यह अलग बात है आप गलत करके चले आते हैं, लेकिन यह जो है इसके अंदर वही क्वेश्चन को संकलित किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है कौन कौन से चैप्टर है। जैसे भौतिकी को अगर देखें यानी फिजिक्स को देखें तो पहला जो है मापन एवं विमाएं हैं, दूसरा जो है यांत्रिकी है जिसके अंदर गति, बल, कार्य, ऊर्जा है, तीसरा जो है पदार्थ के सामान्य गुण है, चौथा जो है उष्मा तथा ताप है, पांचवा जो है प्रकाशीय है, प्रकाशिकी है, लाइट जिसको कहते हैं, छठा जो है तरंग गति तथा ध्वनि है, सातवां जो है रिक्त स्थान है, आठवां जो है आधुनिक तथा नाभिकीय भौतिकी है, नौवां जो है आविष्कार तथा आविष्कारक है, दसवां जो है विविध है। यानी कि जो भी क्वेश्चन आता है इसी सब चैप्टर से आता है और इस सब चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन और साथ साथ में व्याख्यात्मक दिया गया है। बड़ी खूबसूरत बुक है, आप इसको जरूर परचेज कीजिए, इसको पढ़िए। अगर आपका सिलेक्शन साइंस की वजह से रुक रहा है तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं आज के बाद चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, ये साइंस की वजह से नहीं रुकने देगा। बाकी सोचना आपको है। अब उसी तरीके से जो है रसायन में केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में आपको जो है इसके अंदर पढ़ना होगा पदार्थ एवं परमाणु, दूसरा जो है गैसीय नियम, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा परिवर्तन, ये है तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, चौथा जो है धातु, अधातु तथा मिश्र धातु, पांचवा जो है अम्ल, क्षार तथा लवण, छठा जो है कार्बनिक रसायन, सातवां जो है आविष्कार एवं आविष्कारक और आठवां जो है विविध है। सारे के सारे रसायन के यहीं से क्वेश्चन आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो है जीव विज्ञान के भी इसमें पूरे तरीके से दिया हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि खरीदने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि सही में हम जो बोल रहे हैं वो सही भी है या फिर खरीद लें और बाद में फिर सर पीटना पड़े। तो इसके लिए एक बार एक क्वेश्चन से आपको चर्चा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन जो देखिए, प्रदीप्ति तीव्रता की SI इकाई है, ऑप्शन आपके पास में है रेडियन, कैंडेला, मोल या फिर एम्पियर। और ये क्वेश्चन जो है RRC जो है मुंबई में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर C यानी कि कैंडेला। और इसकी जो पूरी तरीके से चर्चा इसमें कर दी गई है, वैसे ही आगे जो अगर चल के देखने की कोशिश कीजिएगा तो वैसे ही देखिए, मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन 18 नंबर सूची 1 और सूची 2 के दो के साथ जो है सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से इसका सही उत्तर चुनिए। अब इसमें बताइए कि किसका किसके साथ में रिलेशन सही है और यहां से ऑप्शन से चूज कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा और बार बार जितने पीसीएस से लेके UPSC में और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है और यहां पर जो है लिख दिया गया कौन से साल कौन से क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्लियर हो गया? अब उसी तरीके से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वैसे ही अगर आ जाइए तो अगर विज्ञान में आ जाते हैं तो विज्ञान में भी आप देख सकते हैं, देखिए विज्ञान का
विज्ञान में बायोलॉजी वाला सेशन जो है, जैसे विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, सी आरएनए और डीएनए दोनों, और या तो आरएनए या डीएनए, ये पूरे के पूरे तरीके से जो है ये बीपीएससी को फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं ना, पांच ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसका पूरे तरीके से डिटेल भी दिया गया है, क्या है, वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई एक होता है, एचआईवी वायरस और पोलियो वायरस में आरएनए होता है। देखिए पूरे तरीके से, ये नहीं कि पूरा लंबा कथा लिख दिया और उसमें आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, बस पढ़े जा रहे। अरे पढ़े जाने का मतलब नहीं है, हमें इस मेमोरी में उतना ही चीज रखना है जो जब चाहे तब इसको क्या कर सकते हैं, उगल सकते हैं, और जब चाहे तो निगल सकते हैं, और ये बुक आपको वही काम करेगा, आप बिलीव कर सकते हैं मेरे ऊपर, और मैं कभी भी आपके सपनों के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता हूं। मैं वही बुक की चर्चा हमेशा करता हूं जो आपके सपनों में एक रंग भर दे और एक ऊंची उड़ान को जा सके। अब देखिए यहां पर जो है, क्योंकि अनुवांशिक जो मटेरियल होता है रेक्टोवायरस कहलाता है, तो यही इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। वैसे ही सारे क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया, पूरे तरीके से व्याख्यात्मक करके दे दिया गया है, क्लियर है ना। चलिए अब थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बुक का नाम क्या है। सुजीत सर सब कुछ तो इसके अंदर बता दिए, इतनी अच्छी है, अगर अभी तक हमारी रिजल्ट रुकी हुई साइंस की वजह से तो अब ये रुकने नहीं देगा। आखिर ये तो बता दीजिए कि आखिर किस पब्लिकेशन का है, इस बुक का नाम क्या है, अगर मैं मार्केट में जाऊंगी तो कैसे इस बुक को खरीद पाऊंगी। तो इसका बुक जो है, ये पब्लिकेशन देख लीजिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ट, ये है इसका नाम जो है, समान विज्ञान का पेपर लीक, यही नाम से ये बुक आता है, जिसमें क्या है आपका भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी चारों पार्ट को जो है ये समेटे हुए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी। इसमें टोटल जो है करीब करीब 4900 प्लस, मान के चलते 5000 प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का संग्रह इसके अंदर किया गया जो पेपर सेटर कभी नहीं चाहते कि आपको मालूम हो। इसमें वही क्वेश्चन को दिया गया है ताकि आपका जो पेपर सेट करता है आयोग, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस, दोनों में वो क्वेश्चन आपको कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन ये पब्लिकेशन की ये बुक जो है समान विज्ञान का पेपर लीक, इसने वो सारे क्वेश्चन को मार्केट में डाल दिया है। अब बस जाना है और खरीद के ले आना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। साइंस में 20 में 20 क्वेश्चन सही करके आना, पीसीएस में, बीपीएससी में या फिर किसी और पीसीएस में, और वनडे एग्जाम में भी जितने भी साइंस से क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एक बार बिलीव कीजिए, बस दिल से दिमाग से अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि इसमें उतना ही दिया हुआ है जिसमें आसानी से आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ये भी बताइएगा, और साथ में ये भी बता दूं कि अगर इस बुक को आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे में इसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए और बुक को आसानी से घर बैठे मंगवा सकते हैं, आ जाएगा आपके पास में, और शॉपकीपर में के पास भी जाइएगा तो वहां भी अब अवेलेबल हो गया है। और अधिक जानकारी के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज रहेगा, आप वहां से जान सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वहां मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।